हूँ, मेरे साथ पार्टी के संविधान के निर्माताओं में से जो अहम भूमिका निभाने वाले पार्टी के हमारे सेक्रेटरी जनरल जनाब अब्दुल खालिक साहब मौजूद हैं, एके वाजपेयी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने लीगली इस संविधान को ड्राफ्ट करने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो संविधान के अनुसार जो ये दावे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नहीं उनको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हम लोगों ने उनको हटा दिया या फिर पार्लियामेंट में संसदीय दल का नेता बना, भाई अगर आप मुझे कहते तो मैं खुशी खुशी में आपको बनाता संसदीय दल का नेता, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। भूमिका बढ़ चढ़ कर निभाएं, मैं चाहता हूं कि सदन में ज्यादा से ज्यादा हर एक विषय पर पापा ने जिस तरीके से विश्वास करके, जिस तरीके से संसदीय बोर्ड ने मुझ पर विश्वास रख के मुझे संसदीय दल का नेता बनाया था, मुझे खुशी है कि हर उस मुद्दे पर धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, जितने भी राम मंदिर की बात हो, जितने भी ऐसे मुद्दे हैं, निरंतर मजबूती से मैं सदन में अपनी बातों को मैं रखता रहा। मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी ये रहे। पहला, पर जिस तरीके से उनको लीडर संविधान इस बात की इजाजत से राष्ट्रीय अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड के पास है, वहां पर मौजूदा जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो आपस में इस बात का निर्णय नहीं ले सकते कि पार्टी का संविधान कहता है। पहला, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए, क्योंकि संभवतः आने वाले दिनों में शायद एक लंबी कानूनी लड़ाई भी हम लोग को लड़नी पड़े, वहां पर हम लोग इस बात को मजबूती से हम लोग रखेंगे। पर आज आप लोग की जानकारी में सिर्फ मैं इन बातों को देना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, मैं सामने इससे नहीं आ रहा था या अपनी बातों को, क्योंकि आज हम लोग दिन भर एक लंबे समय तक हम लोगों ने लीगल ओपिनियंस क्या क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर क्या क्या चीजें हैं, सुबह से लंबे समय से हम लोग की बैठकें चल रही थी, तमाम इन जानकारियों को हम लोग एक दूसरे के साथ हम लोग साझा कर रहे थे। और ईमानदारी की बात है, मैं बहुत ज्यादा मैं चाहता नहीं था कि ये मसला इस तरीके से बढ़े। जैसा मैंने कहा कि मेरा हमेशा प्रयास रहा कि अगर परिवार की बात है और पार्टी भी मेरा परिवार है, अगर इसको हम लोग बंद कमरे में अगर आपस में बैठकर अगर हम लोग इसको सुलझा पाते, जब मेरे पास कोई और विकल्प बचा नहीं, तो इसीलिए आप सबके समक्ष आकर मुझे इन बातों को रखना मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि तो बार बार मैं देख रहा था, कुछ चैनल्स पे चल रहा था कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जा चुका है। लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सिर्फ दो परिस्थितियों में खाली हो सकता है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो या स्वतः अपनी मर्जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी परिस्थिति में जब वो रिजाइन करते हैं तो उसकी जगह दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। बट ये तमाम बातें जैसा मैंने कहा, लीगल कार्यों ने जिस मजबूती से पार्टी के पक्ष में अपनी बातों को रखा, पार्टी को आगे लेकर जाने के लिए रखा, पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए रखा, उस दिशा में मैं अपने पार्टी के तमाम साथियों के साथ, तमाम पदाधिकारियों के साथ, नेशनल बॉडी के हों, स्टेट बॉडी के हों, स्टेट प्रेसिडेंट्स हों, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हों, हमारी जिला समिति के पदाधिकारी हों, जिला अध्यक्ष हों, उन सब की सहमति और मजबूती के साथ आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी पापा ने पूरे विश्वास, भरोसे और मेहनत के साथ उन्होंने बनाई, विश्वास इस बात का कि इस पार्टी के माध्यम से जिस तरीके से वो गरीबों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, समाज में कई ऐसे तत्व हैं जो निरंतर आपको बांटने का काम करते हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा, इतिहास गवाह है, कई बार ऐसा प्रयास किया गया है। और इसमें मैं पुनः मैं बोलूंगा, बांटने की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं जनता दल यूनाइटेड के ही लोगों की मैं खासतौर पर बात कर रहा हूँ, दलित महादलित करने का भी काम उन्हीं लोगों ने किया, और निरंतर ये देखा गया कि ये प्रयास किया जाता है उनके द्वारा। जब भी कोई एक दलित आगे बढ़ना चाहता है तो उसी में ही ये लोग विभाजन करने का काम करते हैं कि भाई इनको आपस में ही कूट डाल दो, आपस में बांट दो, ताकि ये लोग आगे ही ना बढ़ पाए। दलित महादलित कहा कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ, मैं शेर का बेटा हूँ, ना मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ने से डरा जब मेरे पिता के निधन को कुछ समय नहीं बीता था, उस वक्त अगर मैं डंके की चोट पर अपने मुद्दों पर अपने अधिकारों के लिए जाकर उस वक्त अगर मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ, तो आज की तारीख में तो मेरी पार्टी, मेरे साथियों का पूरा समर्थन मेरे साथ है, मेरी तमाम पदाधिकारियों का समर्थन मेरे साथ है, और सबसे बड़ी बात, बिहार की जनता जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हो या व्यक्तिगत संपर्क साधने के माध्यम से हो, जिस तरीके से उनका प्यार और उनका समर्थन मुझे मिल रहा, ये विश्वास मुझे को बनाया था, उसी सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी आने वाले दिनों में मजबूती से आगे बढ़ेगी। पशुपति पारस सभी भी आपको ये कह रहे हैं सर कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है, कल पटना में कार्यकारिणी की बैठक करने जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अधिकारों की आपने बात की, अधिकार मुझे लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान ही देता है। संविधान की जानकारी के आधार पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे, देखिए कोई भी संगठन हो वो संविधान के
अनुरूप ही चलता है आप कि व्यक्तिगत सोच व्यक्तिगत भावना कुछ और हो सकती है, बट जो संविधान में लिखा है आप उसी के को फॉलो करते हुए उसी को मानते हुए ही आप निर्णय ले सकते हैं। तो जो वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैंने कहा, मैंने तो आपको हवाला भी दिया, और अगर मेरी यादा सही है तो लोक जनशक्ति पार्टी का आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 5 मुझे इस बात का अधिकार है। चिराग आपके जो चिराग चिराग पांचों बागी सांसदों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप एक तरफा निर्णय ले रहे थे, आप एक तरफा निर्णय ले रहे थे विधानसभा चुनाव के वक्त। पांचों बागी सांसदों का ये आरोप है कि आप लोकतंत्र खत्म कर दिए थे पार्टी में, एक तरफा निर्णय ले रहे थे बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से बाहर आने का फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव में जितने भी निर्णय लिए गए आप सब मौजूद थे जी, निरंतर बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड के नेताओं से राय मशवरा करके उनसे बातचीत कर कर, और अगर उस वक्त अगर उनके अनुसार निर्णय नहीं लिए गए तो उस वक्त उठने चाहिए थे, ना कि चुनाव समाप्त होने के 6 महीने के बाद। उस वक्त ये सवाल आने चाहिए थे, उस वक्त जो आपकी सहमति थी उस वक्त आपको लगा कि शायद यही सही है, या जिस तरीके से पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का तमाम पार्टी के कैडर का जिस तरीके से उस वक्त उस निर्णय में उनका समर्थन था, तो अगर किसी को आपत्ति थी उस वक्त उनको आपत्ति रखनी चाहिए कि पिताजी का निधन हो गया था इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। आपको क्या लगता है कि वो वैध है, और उस कार्यकारिणी की बैठक में क्या आपके भी समर्थक है या सिर्फ उन्हीं के समर्थक है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि सुबह से हम लोग इसको लेके हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, और इसमें क्या बेस्ट लीगल वे आउट होगा, क्या हम लोग को अगला कदम उठाना चाहिए उसको लेकर हम सबकी चर्चा कर रही है सही समय पर आने। उसके नतीजे मानेंगे, जो भी फैसला होगा वहाँ पे उसको मानेंगे आप? नहीं, उस फैसले को मानने का मेरे मानने का उसमें क्या उद्देश्य है? जैसा मैंने कहा कि वो अथॉराइज ही नहीं है इस तरीके की बैठक को बुलाने के लिए या इसमें लिए गए किसी भी फैसले को। पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलना जरूरी है, अनिवार्य है। जैसा मैंने कहा कि उन्होंने अपनी जानकारी के हिसाब से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को भी उन्होंने एक पत्र लिख दिया, बट पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान क्या कहता है उसी के अनुसार उसी के अनुरूप आप निर्णय लेंगे ना, उससे अलग हटके आप निर्णय नहीं ले सकते। आपको थोड़ा समय ज्यादा लग गया सामने आने में, थोड़ी सी उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मेरी शारीरिक परिस्थिति के लिए मैं चाहूंगा कि आप उसमें थोड़ा सा मेरा साथ दें। मैं अभी भी बहुत ज्यादा बोल पाऊं आपको भी शायद कहीं ना कहीं एहसास होगा, नहीं तो मैं अभी एक बार शुरू करता हूं तो थोड़ा ज्यादा बोल जाता हूं, पर अभी भी उतनी हिम्मत नहीं आ पा रही। चिराग जी, मेरा सवाल है, आपने पूरी जो कहा कि जेडीयू तोड़फोड़ कर रहा है, इस बार देखा जा रहा है कि बीजेपी का भी शायद एक किसी तरह से छोटा हाथ है, आपको क्या लगता है कि मतलब जिस पार्टी को आपने पूरा अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के खिलाफ बड़े खड़े किए वही आपको धोखा दे रहा, और एक पार्टी जो वंशवाद के खिलाफ है, क्या उस पर विश्वास करना आपकी गलती था? जब सबसे ज्यादा मैं पार्टियों का तो मुझे नहीं पता, बट हाँ जनता दल यूनाइटेड का जरूर बोलूंगा, उनका हाथ जरूर है। और सबसे बड़ी बात, पहले तो ये मेरा इंटरनल मैटर है, ये मेरी पार्टी का मैटर है। जब आपको अपने ही धोखा दे दे तो फिर आप बाहर वालों पर आप क्या होंगे? तो पहले मुझे इंटरनली इन चीजों को समझना जरूरी है, किसका हाथ है, बाहर से कौन कर रहा है नहीं कर रहा, ये बात की बात है। बट हाँ, इतना जरूर मैं बोलूंगा कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने जिस तरीके से भूमिका निभाई, और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये परंपरा रही है बांटो और शासन करो, डिवाइड करते हैं, दलित महादलित करने का प्रयास किया, आज भी पार्टी में निरंतर, और अभी से नहीं लंबे समय से, कई बार मैंने कई विभिन्न चैनलों पर मैंने पहले भी मैंने देखा कि इस तरीके की बातें आती है, किसी भी पार्टी में और ये सब आपकी जानकारी में, क्या सच है सर? देखिए, मेरी जानकारी में ये विषय पहली बार, अगर मेरी यादव से शायद 8 जनवरी के आसपास ये विषय मेरे संज्ञान में आया, उन्हीं के द्वारा एक लिखा हुआ पत्र मुझे दिया गया था, और उसमें उन्होंने कुछ बातों का उन्होंने जिक्र किया जो उनके साथ कुछ घटना घटी। प्रिंस से जब मैंने इन बातों को जानना चाहा तो उन्होंने दूसरा पहलू मेरे सामने रखा, उनका वर्जन टोटली डिफरेंट था, और जिस मोहतरमा ने इन बातों को कहा उनका वर्जन टोटली डिफरेंट था दोनों का। उसके बाद मैंने प्रयास किया कि अगर दोनों आमने सामने बैठते हैं तो आमने सामने बैठकर अगर कोई कंफ्यूजन है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, पर सामने बैठाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो जो बातें कह रही हैं और ये जो बातें कह रहे हैं दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और दोनों के अपने
अपने अपने मजबूत पक्ष हैं। मैं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूं। उसके बाद मैंने दोनों को इसी बात का सुझाव दिया, मैंने कहा कि आप लोग पुलिस के पास जाएं, एफआईआर आप लोग दर्ज कराएं और जो सही है इन्वेस्टिगेशन का मैटर है इन्वेस्टिगेट होगा। प्रिंस संभवतः शायद वो पुलिस के पास गए, उन्होंने अपनी एफआईआर दर्ज की और उसके बाद मेरी उनसे मेरी कभी दोबारा मुलाकात नहीं हुई, तो मुझे उनका पता नहीं पता कि उसके बाद उन्होंने लड़की का आरोप है। शिकायत आई, वो शिकायत मेरी पार्टी के एक सांसद के बारे में थी, मैंने पार्टी के डिसिप्लिनरी कमेटी को भी इस बात की मैंने जानकारी दी, पर हाँ समझ में आया कि ये मैटर लीगल विषय से जुड़ा हुआ है, इसमें पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करके इसको सॉल्व कर सकती है। इसमें मेरी स्वाति ने स्वाति पटेल को आप इंसाफ दिलाएंगे की कोशिश की थी। स्वाति ने आरोप लगाया मुंह मत खोलना, बिल्कुल इस वक्त जब हनुमान मुसीबत में है तो क्या आप राम से मदद मांगे या किसी तरह की मदद की पेशकश की गई है? आपको लगता है कि मदद चाहिए? हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम तो फिर हनुमान खाएंगे और राम खाएंगे। देखिए जैसा मैंने कहा मेरे संस्कारों में नहीं है, पापा से मैंने और सबको साथ लेकर चलने की सोच मैंने उनसे सीखी है, तभी अंतिम तक मैंने प्रयास किया। उस दिन जब मैं उनके घर के भी गया, उस दिन की अगर मैं बात करूं, मैं ईमानदारी से मैं शारीरिक तौर पर उस मेरी क्षमता उतनी नहीं थी कि मैं जाऊं और वहां पे वो कर सकूं, पर उसके बावजूद मैंने वो प्रयास किया, मैंने अपनी तरफ से मैंने आखिर तक मैंने कोशिश की। जो आप कदम उठाने की बात कर रही है, जैसा मैंने कहा कि चुनाव के दौरान से कहीं ना कहीं आभास था, तो पार्टी के सांसदों के ऊपर शायद सस्पेंशन की। मेरे पापा का निधन हो गया, पापा अब नहीं है, मेरे छोटे चाचा का भी निधन हो गया। पार्टी में सेकंड जनरेशन हम लोग हैं, पर पहली जनरेशन में अगर कोई है हम लोग ले, मैं मेरे अपने भाइयों की बात कर रहा हूँ, चाचा ही थे, पापा के बाद में हमने पापा की छवि देखता था, मुझे भी विश्वास था कि शायद वो मार्गदर्शन करेंगे, जैसे पापा हम लोग को साथ लेकर चले वो भी लेकर चलेंगे। मैं अनाज शायद उसने नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ा। चिराग जी क्या नीतीश कुमार को सीधे आप जिम्मेदार मानते हैं आपकी पार्टी में फूट के लिए? और दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी के नेताओं को पूरी तरह से क्लीन चिट देते हैं जो आपकी पार्टी के अंदर, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन दूसरी तरफ तो आप जेडीयू के नेताओं को ये इंटरनल मैटर है, मैं इंटरनली इसको मैं सुलझा रहा हूं। आने वाले समय में अगर किसी से बात करने की जरूरत पड़ेगी, किसी प्लेटफॉर्म पे इन बातों को डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी किया जाएगा। कोई सुलह का रास्ता बचा है सर पार्टी के अंदर? कोई सुलह का रास्ता बचा है? ये सवाल पूछा, कोई सुलह का रास्ता बचा है सर? जो किया जो अपने आदरणीय चाचा जी को आपने बताएगा वो सवाल पूछे। दूसरा ये कि जब आपने ये कह दिया था ये लीगल मामला है, आप लोग दोनों लोग पुलिस के पास चले जाइए, तो आपने कोई कहा? मैंने ये पत्र 29 मार्च को मैंने ये पत्र लिखा, होली के दिन मैंने पत्र लिखा। इस पत्र को लिखते वक्त इस पत्र को कभी सार्वजनिक किया जाएगा ये मेरी मंशा कभी नहीं। कल भी जब मैंने इस पत्र को अपने ट्विटर हैंडल से जब मैंने इसको अपलोड किया, उसमें मेरी इंटेंशन इनके बारे में या इनके विषय को साझा करने की नहीं थी। एक संयोग ऐसा था कि पूरे उस 4 पन्ने के पत्र में एक पत्र को आप साझा करें, पर मुझे जब अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो मैंने उसमें से उनका नाम को मैंने हटाया। मेरी इंटेंशन उनके वाक्य के बारे में चर्चा करने की नहीं, कल मेरी इंटेंशन इस पूरे घटनाचक्र जो कि मेरे लिए बड़ा विषय है, मेरी पार्टी में जिस तरीके से टूट हुई उस बात में मेरी भूमिका कहां कहां पर रही, व्यक्तिगत तौर पर भी।